तो ये गाइस वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग और आप देख रहे हैं सीएचओपी के व्लॉग। वीडियो के स्टार्ट होते ही अल्प के दिमाग में पता नहीं क्या हुआ है, उधर पुदक के पिकू के कान पकड़े, इधर कल्लो आराम से घूम रही। वाह 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 वाह, बता नू चलेगा पूरा सा बड़ाता है। मैं बिल्ली है, पिकू दिखी बिल्ली, लेकिन अल्प से रोक रहा बार बार। बिल्ली के जो दो गार्ड है छोटे छोटे वो भी आगे पीछे पीछे। गाइस अभी तक इनका नामकरण नहीं करा, अल्प के साथ इनकी कुछ ज्यादा बने। अल्प ने पकड़ने की कोशिश कर रहा, अब ओ अल्फा तेरे साइज से कितने छोटे हैं ये। इन्हें अपने साथ ले जाना सेफ नहीं है, इन्हें वापस भेजता हूँ क्योंकि यहाँ ना, क्योंकि यहाँ रोड पे गाड़ी वगैरह चलो जा। अल्प की आदत खराब है, जब भी कोई भाग गया ना उसे पकड़ने की कोशिश कर लो। तो एयरवे में गए इसके पास, यू डर गया। अल्प इनके साथ खेलता नहीं, इन्हें पकड़ने की कोशिश करे, इन्हें ना यहाँ रोड पे छोड़ना सेफ नहीं है। एक वो रहा उसे पकड़ के लेकर लग रही, ताकि इसे भी इस गली में छोड़ दे। गाड़ी में पहले धो ही नहीं था, आप पापा भी मुझे कुछ नहीं कह रहे क्योंकि गाड़ी अपने आप खड़ी खड़ी खराब हो लग रही, बुढ़ी हो लग रही। ऊपर आते ही रसोई के सामने आकर खड़े हो जा, क्योंकि रसोई में से खाना निकल का आवे ना इनका। अल्प इतना शैतान हो गया, अब जूते चप्पल भी काटने लगा। उन्होंने तो कभी जूते चप्पल नहीं काटे, पहले काटा करती थी, हमारे घर आने के बाद कभी नहीं काटे इसने। अब अल्प को पता नहीं क्या शौक चढ़ गया चप्पल जूते काटने का। इसकी ग्रिप नहीं लगवाता, लेकिन मैं इसकी ग्रिप लगवाऊं भी नहीं, ग्रिप लगा के ना पूरा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए मैं इसकी ग्रिप नहीं लगवा रहा। लेकिन ये अपने आप ही कुछ भी ऐसा सामान ढूंढ ले और उसे चीर फाड़ दे। पिकू को देख लो क्या खुराफात कर रहा है, पानी का गिलास भर के अंदर कमरे में फेंक रहा, सारा फर्श धो दे। ये मिस्त्रियों के पानी पीने के लिए टंकी भर के रखा है, सारा ठंडा पानी खिंडा दिया। इसे यहाँ से अलग ही रखता हूँ, पूरा खाली हो गए। तो ठंडा पानी कल भी पी रही है, अल्प भी पी रहा है, इधर पिकू भी पी रहा है, क्योंकि ठंडा पानी है। अब ये गड़बड़ होगी, इसके ऊपर ना बैठ जाए, क्योंकि हाइट इतनी होगी कि अब ये ऊपर चढ़ के भी खोल रहे। अबे यार क्या चाह रहा तू, काफी टाइम हो गया। एक्वेरियम में दो ही मछली है और ज्यादा मछली आने वाली है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, जब हमारे घर में मिस्त्रियों काम कंप्लीट हो जाएगा। इधर अल्फा को देख लो, शीशा देख के, अब शीशे पे स्क्रेच स्क्रेच मारती है इसने ना, शीशा देखना ज्यादा पसंद है। ये देख लो अपनी पप्पी भी ले जा शीशा देख के। लो भाई पहले इन्हें फीड रखते हैं, मछली को फीड रखा इसमें से निकाल गया, और अल्फा की नजर इस पे भी है। अब तुम्हारा खाने का नहीं है यो, पता नहीं अंडे कब देंगे। केज के अंदर नेस्ट मटेरियल डालना पड़ेगा, वो मेरे को मंगाना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा कैसा हुआ है। मैंने इनके अंदर घास डाल के तो देख लिया, घास तो ये सारा खा जावे, घोंसला बनाते नहीं। और इधर कॉकटेल का भी यही हाल है सेम टू सेम, और इन्होंने भी अब तक अंडे नहीं दिए, और उन्होंने भी अब तक अंडे नहीं दिए। और उनके घर मेरे को साफ करना पड़ेगा, घर के अंदर जो घास रख लिया ना वो बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा ये घर बनाएंगे तभी अंडे देंगे, ऐसा कमेंट आ रहा था। तो अभी घास निकालता हूँ इनका सारा, आप लोगों ने कमेंट करा तभी निकाल रहा मैं घास। तू भी अंडे देगा, अब बार इनके लिए दाने की क्वांटिटी में ज्यादा लेके आ गया था, क्योंकि बार बार खत्म हो जावे ना तो बार बार जाना पड़े। अब की बार तो मैं 3-4 थैली लेके आया हूँ, और इसके अंदर भी इनका मटेरियल है, और इसके अंदर भी इनका मटेरियल है। तो चलो गाइस अभी इन्हें खाना दाना बैठते हैं। पीपू भी आके यहाँ चेक करते रहे, हाल चाल पूछते रहे। पीपी में जाए घूमने के लिए, नहीं ले जाने का, नो ना कार में भी ले जाऊं। अपना गुस्सा मेरे पे तो उतार नहीं सकता, क्योंकि पता पिटेगा नीचे उतार रहा। सबका खाना दाना हो गया, अब कल का ट्रीटमेंट चालू करते हैं। आ भाई दवाई लिए, अपने सारे पंचों को खाना दाना देने के बाद ही मैं अपना खाना दाना खाऊं, और इन्हें अब दवाई बंटी देने के बाद भी, क्योंकि दवाई का भी तो काम बढ़ गया। अब दवाई बस कल को देनी पड़े, बाकी और तो कोई दवाई नहीं लेता, ना अल्फा लेता ना पीकू लेता। भगवान करे ये कभी दवाई ववाई के चक्कर में ना पड़े, कल्लो ही बहुत है, कल्लो ही पड़ गई दवाई के चक्कर में। कल्लो को दवाई देने के साथ साथ लीवर टोनिक भी चलाना पड़ रहा, ताकि इसका लीवर खराब ना हो, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है और दवाई भी इसने बहुत खा ली। गाइस भगवान करेगी इसकी एलर्जी बिल्कुल सही हो जाए। आज काफी दिन हो गए मिस्त्री घर आ रहे, लेकिन इन्हें पीकू नमस्ते नहीं करता, तो पीकू पे नमस्ते करवाते हैं। पीकू नमस्ते। गाइस ये तो नमस्ते करेगा, ये नमस्ते नहीं करने के, ये तो सीधा ग्रिप लगाऊंगे इनके ऊपर। गाइस अल्फा ने मजदूर का रास्ता रोक लिया, बीचम बीच खड़ा। पीयू की गाड़ी चलने के लिए कहीं रोड तो बची नहीं, ऑफ रोडिंग करते हैं। ऑफ रोडिंग में गाड़ी फंस गई, अबे फंस गई गाड़ी। पीयू चल, ओ भाई पीकू पकड़ रहा टायर, कल्लो भी टायर पकड़ रही इसका। ओए गेरोंगे गेरोंगे, ओ टक्कर मार दी। पीकू एग्रेसिव हो गया टायर के ऊपर, वो पीकू के ऊपर ही भौंक रहे। ओबे पागल हो गई, ओबे कल्लो पागल हो गई, ओ क्या हो गया एकदम से। गाड़ी उतर के चुप कर, व्यू भी नहीं मान रहा और ये भी नहीं मान रहे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कल्लो तो पागल हो गई यार, कल्लो ने तो पूरा टायर ही फाड़ दिया। अबे व्यू को गिरेंगे ये, ओए 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 हट जाओ, अबे पागल हो गई कल्लो, ए ए छोड़ छोड़। गाइस अल्फा भी ऊपर ही आ गया, टायर ही फाड़ दी इन्होंने तो। गाइस ये तो घना गलत सीन बन गया, ट्रोली फंस गई इधर, बाइक भी फंस गई अपनी, और बाइक के ऊपर भी मिट्टी गिर गई, पूरी बाइक भी जाम हो गई अपनी बीएमडब्ल्यू। इधर भी साइड ये वाली बाइक निकल सके, पहले ट्रोली निकालनी पड़ेगी। अब ट्रोली भी यार यहाँ तो जाम हो रही, और भाई ये कैसे निकलेगी, क्या करा यार तुमने यू। अब इसे निकालने के लिए सारे गैंग के खपिटर आवेंगे, तब पीछे से धक्का देंगे तब ये निकल सके। ओए रुको रुको टाइल टूट जाएगी। आज व्यू की मम्मी ने व्यू को फोन नहीं दिया और ईट लेकर आया मारने के लिए, घर बना के तब फोन ले गए। ये इंटरनेट चला नू कह रहा, खत्म हो गया।
चल गया। खरगोशों की डाइट रख रहे हैं और खरगोशों की डाइट में आज चावल रख रहे हैं। पहले रख के देख रहे हैं, आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि चावल रख दिया करो इन्हें, तो देखते हैं चावल खाएंगे क्या। ये तो आराम से खा रहे चावल यार, टीकू का कोई डर नहीं है। आज कल्लो का और अल्फा का सेकंड डे है। कल्लो की तो कल कराई नहीं थी ट्रेनिंग, अल्फा की कराई थी, तो अल्फा का भी सेकंड डे है और कल्लो का भी सेकंड डे है। कल्लो की परसों कराई थी, तो आज इन दोनों की हल्की हल्की ट्रेनिंग कराएंगे बाइक पे बैठाने की। वो बाइक पे बैठाने की हम कोशिश भी कर ले, लेकिन पीकू बैठ नहीं पाएगा बाइक पे। अब ओए लड़ा मत करो ओए। गाइस अपनी गोलो के घुटने में चोट लग रही है और ये घुटना अब तक ठीक नहीं हुआ। इसका ना इतना ट्रीटमेंट कर लिया लेकिन ये ठीक ही नहीं हुआ। पता नहीं यार हमारे घर में हो क्या रहा, इसका इलाज भी नहीं कर सकते ज्यादा भयंकर वाला, क्योंकि इसके पेट में बच्चा है। मैंने उठाया कल्लो का पट्टा, तीनों के तीनों एक्टिव हो गए बाहर जाने के लिए, लेकिन मैं लेके जाऊँ बस कल्लो को, क्योंकि आज कल्लो की ट्रेनिंग है। गाइस अल्फा को तो नहीं ले जाना, कल्लो को बैठा लिया टंकी पे। आज ये थोड़ी सी नर्वस सी हो रही क्योंकि कल ना इसकी बहुत एक्सरसाइज हुई थी और गाइस एलर्जी में थोड़ा सा 10% आराम है, बाकी देखते हैं कब तक 100% आराम होगा। और अल्फा भी कोशिश कर रहा है बाइक पे बैठने की। चेक करो कल्लो कैसे बैठगी, कोई नहीं है इसके आसपास भी, ये देख लो आराम से बैठगी अपने आप। अगर इसकी एलर्जी ठीक हो जाए ना तब देखना कितनी क्यूट लगेगी यार ये बैठी हुई भी। मेरे को लग रहा है कल्लो तो बहुत जल्दी सीख जाएगी, अल्फा को सिखाने में टाइम लगेगा। बाइक सीख के भागना क्या, इसकी ट्रेनिंग भी काफी होगी, अभी से नीचे उतार के थोड़ी देर घुमाता हूँ। लोग थोड़ी सी रनिंग करा रहे घर तक, आज मौसम बढ़िया है कल्लो कम, और रनिंग करने में देखो कितनी एक्सपर्ट है, पूरी तेज भाग रही। चलो 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 आ जाओ आ जाओ। के अंदर थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा हो रही थी क्योंकि बार बार किसी भी चीज पे ग्रिप लगा हुई थी, तो आज थोड़ी बहुत इसकी रनिंग भी करवा दी, ट्रेनिंग भी करवा दी। अभी से अंदर करता हूँ और अब चलते हैं अल्फा पीकू को लेके। अल्फा तो हमारा इंतजार ही कर रहा, साथ में पीकू भी खड़ा। सामने देखो दोनों गार्ड, इधर मटरू भी आ रहा, मटरू से मिलने के लिए चला गया पीकू, दोनों का मेल मिलाप हो गया। अल्फा भी चला गया मटरू से मिलने, लेकिन अल्फा ना इसके ऊपर एग्रेशन कर रहा है और अल्फा की हाइट देखो मटरू की जितनी होगी। ओए अल्फा इसके ऊपर सच में अटैक कर रहा है। पीकू आ जा, पीकू कम, अल्फा कम। पीकू बराबर में भाग रहा और ये बाइक पे बैठा, पीकू ही ढूंढ रहा कि कहाँ रह गया पीकू। चलो गाइस साथ साथ में पीकू की भी हल्की हल्की रनिंग हो जाएगी। अल्फा और कल्लो की ट्रेनिंग अलग अलग करानी पड़ेगी और अकेले अकेले करानी पड़ेगी, क्योंकि अब पीकू साथ में आवे तो अल्फा का जान पीकू के ऊपर रहे और पीकू की बिना बात रनिंग होती रहे। अल्फा का बैठना देखो, अल्फा बैठ नहीं रहा बाइक के ऊपर, लेट रहा। ये भी पीकू बांध के यहीं रोक देंगे, अल्फा को लेकर जा रहा हूँ आगे, क्योंकि पीकू साथ साथ चलेगा ना तो थक जाएगा। इसके हिसाब से गर्मी ज्यादा है, इनके हिसाब से गर्मी कम है, इन्हें कम गर्मी लगे ना उसे ज्यादा गर्मी लगा है, तो इसलिए अल्फा को अकेले लेकर जा रहा हूँ बस। वो तो घुमा के ले आया और पीछे से तू देखो पट्टा छुटा के भाग गया है यार। और गाइस अब अल्फा को थोड़ी देर घुमाते हैं और उसके बाद इसकी रनिंग कराएंगे थोड़ी सी। ये भी थोड़ा सा प्रैंक करते हैं अल्फा के साथ, लुक गया तू भी। गाइस अभी अल्फा के साथ थोड़ा सा प्रैंक करते हैं, लुकते हैं ताकि उसे पता ना लगे कि वो कहाँ गए और वो हमें ढूंढता रहे। देखते हैं अल्फा को क्या रिएक्शन होगा। अल्फा ने हमें आवाज आवाज से पहचान लिया, बल्कि हम तो आवाज नहीं कर रहे थे, पीकू आवाज कर रहा था और हमारे पास ही आया भाग के। कम ऑन अल्फा, कम 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 कम। हल्की हल्की मैं भी रनिंग करता हूँ इनके साथ। चल पीकू अल्फा कहाँ है, कम ऑन अल्फा, अल्फा तो पीछे रह जा हर बार। चल भाई पीकू पीकू साथ साथ रहे। अल्फा के दोस्त भी आ गए अल्फा से मिलने के लिए। गाइस अल्फा की दोस्ती हो सके इनके साथ बढ़िया वाली।